हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज का जो प्लान है 40 फीट बाई 40 फीट का, ये प्लान आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्लान डिज़ाइन किया हुआ है। वैसे ये 3 BHK का प्लान है, लेकिन ये फ्लैट सिस्टम मैंने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लैट्स जैसे होते हैं कि एक फ्लोर पे जैसे पूरा एक आदमी जाता है और पूरा फ्लैट बना होता है एक ही फ्लोर में, एक फैमिली के लिए या बड़ी फैमिली के लिए। तो ऐसे यहाँ पे ये मैंने प्लान आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्लान से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का प्लान। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अभी हम बाहर में हैं और घर के अंदर जाने का आपको जो रास्ता मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आपको ये MS गेट लिखा हुआ है 10 फीट चौड़ा। तो यहाँ से ये गेट ओपन करेंगे और सीधे हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सीटिंग एरिया मिल जाता है। सीटिंग ना समझ के इसको आप पार्किंग समझें, तो ये पार्किंग के लिए आपको जगह मिल जाती है। और ये 18 फीट 8 इंच की लेंथ में है और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है ये 8 फीट और 7 इंच है, 8.5 फीट के लगभग है। तो यहाँ पे आप अपनी कार चाहे तो इसमें पार्क कर सकते हैं। गेट को अगर आप और बड़ा करना चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ब्लू कलर में जो देख रहे हैं बाउंड्री वॉल है। और इसको और भी आप चाहें तो यहाँ पे गेट को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 10 फीट का गेट दिया गया, चाहे तो 12 फीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आपको काफी स्पेस अभी आपको मिलता है। ये नीले कलर में जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है। और ये जो आप नीले कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये हल्की हल्की, ये जो है ये हमारी बालकनी की लाइन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बालकनी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये हमारी बालकनी की लाइन है जो कि हमारी छत की बालकनी है। तो अभी हम चल देंगे सीधे। और ये वाला जो पोर्शन है ये खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे कोई दीवार नहीं आ रही है, सॉरी यहाँ पे कोई छत नहीं आ रही है। छत हमारी यहाँ पे बालकनी तक ही आती है और ये हमारा पोर्शन पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे आप गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रीनरी वगैरह लगा सकते हैं 8.5 फीट की लेंथ में। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है 7.5 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 7 फीट और 7 इंच है। तो ये आपको यहाँ पे गार्डन मिल जाता है। और यहाँ से आपको बाहर से सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो जैसे अपने लॉन में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से बाहर से हम अपने छत पे जा सकते हैं। ये वाला पोर्शन में पूरा यहाँ पे छत में आएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीढ़ियों की चौड़ाई यहाँ पे 4 फीट दी गई है। यहाँ पे इसके नीचे आपको यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है सीढ़ियों के नीचे से, तो हम इधर से जाएंगे और यहाँ पे इस टॉयलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। 4 फीट बाई 8 फीट 3 इंच का यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम है, तो यहाँ पे आप बाहर वालों के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो मिलता है 4 फीट चौड़ा, यहाँ पे एक विंडो मिलता है। और यहाँ पे ये दीवार आ रही है, यहाँ पे ये वाली आप जो दीवार देख रहे हैं ये दीवार आ रही है, यहाँ तक हमारी बाउंड्री वॉल है ये जो ब्लू कलर में है। तो यहाँ पे जो है मैं वीडियो में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, थोड़ा वीडियो मेरे इसलिए बड़े रहते हैं कि मैं एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ ताकि आप पूरी बात को समझ सकें और अपना घर भी आप देख के, हमारे प्लान को देख के आप अपना घर बना पाएँ। इसीलिए थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, उसके लिए आप मुझे माफ करें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी टॉयलेट आपने देखा, इसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक गेट मिलता है। यहाँ पे एक बड़ा गेट और मिल जाएगा आपको, ये जो है आपको 5 फीट चौड़ा यहाँ पे गेट मिल जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पे ये मेन डोर, इसके बाद है यहाँ पे एक और बड़ा गेट हम मिलेगा, तो ये खोल के हम सीधे अपने हॉल में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हॉल है, यहाँ पे 11 फीट लेंथ है, 8 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ से आपको एक पैसेज मिलता है, तो यहाँ पर हमको बेडरूम 1 में जाने के लिए हमको पैसेज दिया गया है। यहाँ पे बाहर में एक किचन दिया गया है, एक ये यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 9.5x7 का आपको किचन मिल जाता है। और यहाँ पे भी एक विंडो मिलता है 4 फीट चौड़ा, तो इधर से रोशनी आएगी। तो इस विंडो से हमारे ये खुला हुआ है पूरा, यहाँ पे तो रोशनी आएगी इसमें, और रोशनी आने से हमारे इस विंडो के थ्रू हमारे इसके अंदर किचन के अंदर भी उजाला रहेगा, हॉल के अंदर भी उजाला रहेगा। और यहाँ पे भी एक विंडो दे रखा है ताकि हमारे यहाँ पे इस पोर्शन में उजाला रहे। और यहाँ पे जो है सीढ़ियों से हम यहाँ पे ऊपर चढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आके हम अपने फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे भी एक विंडो मिल जाता है 4 फीट चौड़ा, ये जब जो W4 है वो 4 फीट चौड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है सीढ़ियों से जब सीढ़ियाँ जैसे 3-4 स्टेप्स हम चढ़ जाएंगे तो यहाँ पे इस दीवार में विंडो आ रही है। तो ये जो कि इस बेडरूम के लिए विंडो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे पैसेज दिया गया है 3 फीट 7 इंच चौड़ा, और यहाँ से हम सीधे अपने बेडरूम 1 में जा सकते हैं। बड़ा बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है, 19 फीट इसका लेंथ है, 12 फीट इसकी चौड़ाई है, 12 फीट 2 इंच। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है। इससे अटैच आपको टॉयलेट एंड बाथरूम भी मिलेगा पीछे की तरफ, वो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हॉल की मैं बात कर रहा था, अभी हॉल से हम आगे आएंगे तो यहाँ पे भी 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि सारे बेडरूम्स के लिए आपको अटैच मतलब टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाए। तो यहाँ पे ये प्लान कुछ ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो हॉल से ही हम अपने इस बेडरूम 2 में और बेडरूम 3 में जा सकते हैं। ये बेडरूम 1 है, 2 है और ये 3 है।
तो यहाँ पे हम सपोज दैट आगे बेडरूम थ्री में यहाँ से हॉल को ओपन करके, इस डोर को ओपन करके, तो यहाँ पे बेडरूम थ्री में आके और यहाँ से हम अपने एड्रेस में आ सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे एड्रेस, आप यहाँ पे अपनी कबर्ड वगैरह रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, और यहाँ से सीधे आके अपने वॉशरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम मतलब यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम है। 7 फीट 7 इंच इसकी लंबाई है और 7 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, तो गार्डन की तरफ जो जो स्मेल होगा वो सीधे निकल जाएगा। यहाँ पे जो है अभी आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीटिंग आपको फैमिली सीटिंग के लिए यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे इस बेडरूम में आ सकते हैं। इस बेडरूम की जो लेंथ है 14 फीट इसकी लंबाई है, 13.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे बेड और सोफे प्लेस करके आपको दिखाए गए हैं। इससे भी अटैच आपको यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम मिलता है यहाँ पे इस बेडरूम से अटैच, और इस बेडरूम से अटैच आपको ये मिला ही। तो यहाँ पे एक ही डोर यहाँ पे मैंने लगा रखा है, और आप चाहें तो एक और डोर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक डोर काफ़ी होगा आपके लिए। यहाँ पे जो है वॉशरूम मिलता है, यहाँ पे 6 फीट 6 इंच लेंथ में है, 6 फीट चौड़ाई है इसकी, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़ा टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है। इस बेडरूम से अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम की बात कर रहा था मैं, बेडरूम वन की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक डोर दिया गया है, यहाँ पे भी अपना ड्रेस वगैरह, यहाँ पे अलमारी वगैरह रख सकते हैं, कपड़े आप इसमें रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे इस ड्रेस की जो लेंथ है, ड्रेस एरिया की जो लेंथ है, यहाँ पे आपको 6 फीट में मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इसकी वॉशरूम की जो लेंथ है 9 फीट 2 इंच की दी गई है, चौड़ाई इसकी 4 फीट है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी टॉयलेट एंड बाथरूम आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, और यहाँ से हम अपने टॉयलेट एंड बाथरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे पीछे पीछे जो आप देख, यहाँ पे जो है वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन आप यहाँ पे लगा देंगे वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पे बैकयार्ड दिया गया है, तो पीछे की तरफ जो स्मेल होगा वो सीधे बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस बेडरूम के लिए जो विंडो है वो यहाँ पे मिलता है, 5 फीट चौड़ा विंडो है जो कि हमारे बैकयार्ड की तरफ ओपन होता है। यहाँ पे एक डोर मिलता है जो कि हम इस डोर को ओपन करके अपने बैकयार्ड में जा सकते हैं। यहाँ से वॉशरूम से भी ओपन करके इस डोर को अपने बैकयार्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो आपको डोर मिल जाते हैं बैकयार्ड में आने के लिए। 16 फीट 6 इंच लेंथ है, 4 फीट चौड़ाई है। तो यहाँ पे अपना जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, या यहाँ पे अपना स्टोरेज स्टोर बनाना चाहें तो कोई भी सामान आप पीछे यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे इस बेडरूम के लिए जो विंडो है वो यहाँ पे मिलता है, 4 फीट चौड़ा विंडो यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे भी इस कमरे के लिए विंडो मिल जाता है। तो सारे कमरे में उजाला रहे, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा इसमें इंतजाम किया गया है, पूरा विंडो इसमें दिया गया है पूरा, ताकि सफोकेशन ना हो। तो चलिए अभी इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। तो बाहर बाहर की आपको जो वॉल्स मिलेंगी, दीवारें मिलेंगी, वो इसमें 9 इंच की है। घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो इसमें 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ, जिससे आप भी अपना घर